वेलकम टू ऑनलाइन क्लास और ओरिजिनल क्लास रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पिछली कक्षा में पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे। उसमें सबसे पहला जो टाइप था वो था योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन या कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। आज जो हमारा अगला टॉपिक्स होगा या टाइप्स होगा वो होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन में से होता ही है अपघटन या टूटना या अलग होना, ठीक है ना। तो हम पहले इसको परिभाषित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या अलग यौगिकों में अपघटित हो जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार या निम्न तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स होता है ऊष्मीय और वियोजन मीन्स होता है डिकम्पोजिशन और रिएक्शन दैनिक अभिक्रिया होता है। तो सबसे पहले इसको कैसे भी हम लोग परिभाषित करते हैं कि उसमें वियोजन अभिक्रिया कैसे होगी। मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ पर जब ऊष्मा दी जाएगी क्या होगा, ऊष्मा दी जाएगी तो क्या होगा, वो यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा या टूट जाएगा, इसको कहते हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है उसमें वियोजन या उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसका स्टेज होगा, अवस्था होगा यस होगा, इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल ऊष्मा के उपस्थित में, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण करेगा, तो यह हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल का। इसी प्रकार फेरस सल्फेट को गर्म करने पर या फेरिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए 2FeSO4 यहाँ दिया जाएगा थर्मल होगा डिकम्पोजिशन, या फिर 2O3 × SO3 और SO2 में अपघटित हो जाएगा, जो SO2O3 है वो फेरस सल्फेट होगा, और जो Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड होगा, और SO2 सल्फर ट्राईऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाएगा, तो इसे कहते हैं उसमें वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद अगला टाइप होगा फोटोलिसिस या प्रकाश अपघटन, फोटोलिसिस या प्रकाश अपघटन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज इतना ही, बस थैंक यू, धन्यवाद।